दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कोई भी बैंक का चेक कैसे अपने बैंक अकाउंट में एसबीआई के खाते में कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी से पैसा लेनी होती है और वो हमें चेक दे देता है, तो वैसी स्थिति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई इस चेक को कैसे भरें। तो चलिए आइए जानते हैं कि कैसे भरेंगे। अगर आपके पास एक चेक है तो आप एक डिपॉजिट पे स्लिप फॉर्म लोगे एसबीआई का। मैं यहाँ पे चेक नहीं रखा हूँ, आपके पास जो भी चेक रहेगा आप उसमें ये इस्तेमाल कर लेना। तो सबसे ऊपर में हमने डेट भर दिया और उसके नीचे में आपको अकाउंट नंबर भरना है। दोस्तों अकाउंट नंबर के बॉक्स में आपको ध्यान देना है एक भी ओवरराइटिंग ना हो। मैं यहाँ पे रैंडमली 1 2 3 4 5 6 भर रहा हूँ। आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा वो आप अपने अकाउंट अकॉर्डिंग भर देना। इसके नीचे दोस्तों आपको अपना नाम लिखना है, जिसके भी अकाउंट में ये पैसा लेना है, जिसके भी नाम पर वो चेक कटा हुआ है। तो मैं अपना ही नाम लिख रहा हूँ, मेरा नाम सुनील कुमार होगा दोस्तों। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम चेक पे छपा हुआ नाम ही यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे आपको लिखना है अपना फ़ोन नंबर ज़रूर से लिख देना, क्योंकि अगर आपने कोई गलती की हो तो बैंक आपको कॉल करके सूचना भी देगा। इसके नीचे आपको दोस्तों अमाउंट लिखना है, यहाँ पे आप अमाउंट लिख दो। जैसे अगर चेक आपका 15,000 का है तो यहाँ पे 15,000 लिखना है, FIFTEN 15,000 THOUSAND और उसके बाद ओनली ज़रूर लगाना। दोस्तों दूसरी बात की आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको स्पेलिंग का बहुत ही ध्यान रखना है। कई बार स्पेलिंग के कारण भी चेक जो है कलेक्शन नहीं हो पाता है, यानी चेक डिपॉजिट नहीं हो पाता। और इसके नीचे ईमेल आईडी है, आप ईमेल आईडी छोड़ भी सकते हो या फिर लिख भी सकते हो। सबसे नीचे आपको अमाउंट लिख देना है, यहाँ पे 15,000 अगेन। अब आता है दोस्तों इसके नीचे जो है चेकबुक का कॉलम। यहाँ पे चेक बाय चेक नंबर, कैश चेक नंबर, डेट एंड नेम ऑफ द बैंक यहाँ पे आपको भरना है। यहाँ पे 15,000 लिख देना है अगेन। अब यहाँ पे चेक नंबर भरना है। चेक नंबर दोस्तों चेक के सबसे नीचे में लेफ़्ट साइड में जो रहता है फर्स्ट में वही होता है चेक नंबर, 6 डिजिट का होता है ये। तो यहाँ पे आपका जो भी डिजिट है वो 2 3 4 2 2 1 कुछ ऐसे ही मैं रैंडमली डाल रहा हूँ। बाय आपको बाय करके यहाँ पे लिख देना है, उसके ऊपर जो भी डेट लिखा हो, क्योंकि 90 डे का ही वैलिडिटी होती है कोई भी चेक का। और आपका जो भी बैंक कंसर्न बैंक है वहाँ पर आप लिख देना, जैसा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चेक अगर है आपके पास तो वो आप लिख देना, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे साइन करना है, डिपॉजिटर का साइन होगा यहाँ पे। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे कट लगा देना है। और अगर 50,000 से ऊपर का केस है तो आपको यहाँ पे अगेन पैन नंबर या फिर फॉर्म 16 का डिटेल आपको देना पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों जो आपको पर्ची मिलती है वहाँ पे भी आपको अच्छे से ही भर लेना है। यहाँ पे आपको डेट भर देना है, जो भी आपका डेट है। 4/12 को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 4/12 का ही ये मैं डेट डाल रहा हूँ। इसके नीचे आपको अकाउंट नंबर डालना है। रैंडमली आप अकाउंट नंबर जो भी हो आपके अकाउंट में छपा हुआ वही आप डालना। मैं यहाँ पे रैंडमली 1 2 3 4 डाल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट आपका जो चेक नंबर अकाउंट नंबर हो वो आप भर देना। सुनील कुमार नाम हुआ दोस्तों, तो मैं खुद का ही नाम यहाँ पर डाल रहा हूँ। दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन मैं याद दिला दूँ कि सब्सक्राइब जरूर करो। इसके नीचे आपको फ़ोन नंबर भर लेना है, यानी मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो आप भर देना। यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर भरना मोबाइल नंबर। यहाँ पे अगेन अमाउंट लिखा जाएगा अंकों में, इसके नीचे आप वर्ड में लिख सकते हो। 15,000 है तो यहाँ पे 15,000 लिख देता हूँ। स्पेलिंग वगैरह दोस्तों देख लेना, अगर आप अंग्रेजी में प्रॉब्लम हो रही है तो हिंदी में भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंडेट नहीं है कि आप इंग्लिश में ही लिखो। और यहाँ पर आपको चेक नंबर लिख देना है, जो भी चेक नंबर चेक के सबसे नीचे में लेफ़्ट साइड में जो लिखा हुआ रहता है वही होता है चेक नंबर। बाय देके आपको डेट भर देना है। मैं यहाँ पे ऐसे ही 2 कुछ डाल रहा हूँ, 4 1 इस तरह, मतलब 6 डिजिट का होता है तो वो आप डाल देना। यहाँ पे 15,000 आपको अगेन लिखना है, काफ़ी छोटा जगह यहाँ पे, बट आपको इसी में किस तरह लिख देना है छोटे छोटे शब्दों में। और इसको फिर फाड़ देना है आपको इस तरह से। छोटे ब्रांच में होता है कि वो लोग हैंड टू हैंड चेक लेते हैं और यहाँ पे मुहर लगा के देते हैं, बट बड़े ब्रांच में आपको ऐसा सुविधा नहीं है, वहाँ आपको अपने से फाड़ लेना है। और इसके साथ आपको चेक पिनअप कर देना है। चेक का दोस्तों या तो आप फ़ोटो खींच लेना या फिर एक जीरोक्स भी करा लेना तो अच्छा रहेगा। ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। और आपको बॉक्स में डाल देना, अगर कंसर्न ब्रांच में बॉक्स है या फिर हैंड टू हैंड आप दे देना। पीछे आपको कुछ भी लिखना नहीं है, पीछे बिल्कुल ब्लैंक है, बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चैनल को जरूर करो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।